What? Shadi? You mean marriage? हाँ डार्लिंग, यस डार्लिंग, ऑनेस्ट डार्लिंग। तो जल्दी चलो ना डार्लिंग, अभी मंदिर चलकर 7 चक्कर काट लेते हैं। डार्लिंग, उन 7 चक्कर से पहले एक और भी चक्कर है। क्या चक्कर है? मेरे फैमिली मेंबर का चक्कर। ओह। हाँ, वो पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। ओह रियली? ठीक है, मिल लेते हैं। कहाँ है आपका महल, कहाँ है आपकी हवेली? तुम? हाँ मैं वही गीता हूँ जिसने तुम्हारे दरवाजे पर आकर विनती की थी, हाथ जोड़कर दया की भीख मांगी थी, और तुमने मुझे घर से ठोकर मारकर बाहर निकाल दिया था। याद आया तुम्हें? ओहो, अब भूल भी जाओ ना पिछली बातों को। आई लव यू गीता, आई लव यू, आई हेट यू। मोहब्बत तो तुमसे मैंने कभी की ही नहीं थी, वो तो सिर्फ एक रिश्ते की डोर थी, एक डोर जो मेरे माँ बाप बांध गए थे। मैं तो उस रिश्ते को निभाने भी आई थी। हाँ। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी में तुम फिर कभी किसी भी औरत के साथ ऐसा सुलूक नहीं करोगे जैसा तुमने मेरे साथ किया था। Listen, I'm warning you people. मेरी बात मारो, खूब मारो इसे, मारो, मारो इसे, मारो, मारो, खूब मारो, 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 छोड़ दे, मारो, छोड़ दे, मारो, मारो, खूब मारो, विजय, देख, लड़की के लिए अपनी दोस्ती के बीच में गड़बड़ी हो जाए अच्छा नहीं। हाँ, इसलिए पहले पूछ लेना चाहता हूँ, उस लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं तेरा? कौन सी लड़की? हो ये अपनी गीता? नहीं नहीं यार, मेरा और गीता को कोई चक्कर नहीं। यही एक सवाल मेरे प्यार के बीच में दीवार बन रहा था। देख, अगर तेरे दिल में गीता के बारे में कुछ है तो अभी बता दे, मैं दोस्ती के नाम पर पीछे हट जाऊंगा। बोला ना एक बार। देख, तू दिल से बोल रहा है ना? देख, अगर कोई चक्कर वगैरह तो बोल दे यार। वैसे तो मैं होश में कुछ बोल नहीं पाऊंगा, सोचता हूँ शराब पी के ही बोल डालूं, क्या ख्याल है? बोल डालू ना? अरे तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? अरे तू नाराज क्यों होता है? हैं? दोस्त है, सलाह ले रहा हूँ, बोल डालू ना? अरे हाँ हाँ बोल दे। अरे थैंक यू यार, दोस्त हो तेरे जैसा और लवर हो तो मेरे जैसा। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए जो भी। चल बे बॉटल दे। अमर। गीता, आई लव यू गीता। सच अमर, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह सकती अमर। आई लव यू अमर। ओ अमर, अमर मैं क्या हुआ? हाँ बोल, तुम्हारे उसके बीच में कुछ नहीं। हाँ गीता, मैं तुमको बोलता था ना, ये उल्लू बेवकूफ तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता, हमेशा तुम्हारी यादों में खोए रहता है, ख्वाबों में भी तुम्हें ही देखता रहता है। क्या बात कर रहा है? क्या हुआ ये? समझ के हमारी समझ में वो ना समझे। प्यार करना भी नहीं आता सालों। अरे तू क्यों फिक्र करती है? मुझे पूरा यकीन है विजय अपने काम में सफल होके लौटेगा। हाँ राम राम मुखिया। जय राम भैया। अरे ओ राधा, कहाँ है तेरा भाई?
सारे गांव का मतिया बन रहा था। कह रहा था कोई गांव छोड़कर ना जाए, तो क्या कैसे मर जाए यहाँ? हाँ भाई, समय तो काफी बीत गया, खामखा गांव वालों को उम्मीदें बांध के चला गया। एक महीना पूरा होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। फिर उसके बाद कहाँ से मिलेगा पानी? अरे बेमुरब्बत मतलबी लोगों, जो इंसान अपनी जमीन बेचकर तुम लोगों के लिए पानी का इंतजाम करने गया, तुम लोग उसी को गाली दे रहे हो, उसी की बहन पे ताना कस रहे हो। ठीक कह रही है ये लड़की, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। मकबूल, गांव में ट्यूबवेल लाने के लिए कोई आदमी अपनी बहन की शादी के लिए जमा किए हुए रुपए लेके जाएगा क्या? और सारे गांव में घर घर में पानी पहुंचाने का ठेका इस अकेले ने लिया हुआ है, क्या उसी का जिम्मा है ये? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ गांव में उसका इंतजार कर रहे हैं और भगवान ना करे विजय इस दुनिया में ही नहीं? ऐसा मत कहिए राजेश भैया, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। बाबा, मेरे भैया को कुछ नहीं हो सकता ना बाबा, कुछ नहीं हो सकता। आप लोग देखना, वो एक दिन जरूर आएंगे, एक दिन जरूर लौट के आएंगे। देखना आप लोग। वो देख बाबा, इतने बड़े शहर में भैया को कहाँ ढूंढेंगे? अरे भगवान पे भरोसा रख, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, चिंता नहीं करते। बाबूजी मुझे बचा लो बाबूजी। विजय अपनी बहन को खत लिख रहा है। हाँ यार, आज बहन की बहुत याद आ रही है। हाँ, बहन की याद भी आती है, बहन को खत भी लिखता है, लेकिन एड्रेस लिखना भूल जाता है। अब एड्रेस कौन लिखेगा इस पर? हैं, कौन लिखेगा? अरे ये खत तुझे कहां से मिला? ये खत ही नहीं बल्कि देख मुखिया जी, हाँ जाइए आ जाइए, बैठा बैठा इधर आइए। जा मिल मगर राधा, तुम लोग यहाँ पहुंचे कैसे? अरे बेटे, हम तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाते अगर तेरा ये दोस्त न मिल जाता। इसका एहसान है हम पर। बेटे जैसे ही हम बस से उतरे इतने में यार बहुत एहसान किए हैं मुझ पर, लेकिन आज तेरे एहसान ने मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया। तू नहीं जानता यार, मेरी बहन मेरी जिंदगी है, मेरी सांसें हैं, मेरा सब कुछ है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं जी पाता। विजय, जीना तो गांव वालों का दूभर हो गया है। वहां कमबख्त उस लंकेश्वर ने गांव वालों को पानी देना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्या बेटे, सब आस लगाए बैठे हैं कि तू ट्यूबवेल लेके आएगा तो उन सबका दुख दूर हो जाएगा, लेकिन इतने दिन हो गए बेटे, तू वापस क्यों नहीं आया? कैसे आता वापस, बेचारे का सारा पैसा जो चोरी हो गया। हाँ बाबा, किसी मतलबी खुदगर्ज इंसान ने अपना पेट पालने के लिए हमारे गांव वालों का पेट काट डाला। भैया, अगर हम ट्यूबवेल लेके गांव नहीं पहुंचे ना तो सारा गांव प्यासा मर जाएगा, और लंकेश्वर के नाम अपनी सारी जमीन लिखवा के गांव वाले बेघर हो जाएंगे। Thank you.
क्या तुम चाहती हो कि मैं उस चोर को, उस गुनहगार को जेल से छुड़ा दूं? यह हरगिज नहीं हो सकता। इस सब की वजह मैं हूं। तुम? हां साहब, मैं उस बदनसीब गांव गंगावती का रहने वाला हूं, जहां कभी पानी बरसता है तो कभी नहीं बरसता। पानी की समस्या हल करने के लिए मैं अपने जमा किए हुए रुपए लेकर ट्यूबवेल खरीदने शहर आया। शहर पहुंचते ही मेरे सारे रुपए चोरी हो गए साहब। मैंने जान तोड़ मेहनत की वो पैसे जमा करने के लिए, लेकिन जमा नहीं कर पाया। साहब, अगर 10 दिन में मैं वो ट्यूबवेल लेकर वापस गांव नहीं पहुंचा तो मेरा सारा गांव बर्बाद हो जाएगा साहब। साहब, ये बात जब मेरे दोस्त ने सुनी तो मेरे गांव को बर्बादी से बचाने के लिए उसने आपके घर पर चोरी की। मैं जानता हूं साहब, उसका तरीका पाप का था, लेकिन वो काम पुण्य का कर रहा था साहब। साहब, मेरे दोस्त को रिहा करवा दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूं साहब। देखो भैया, पूरे 10 लाख की लॉटरी लगी है। लग गई? अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। शंकर भैया, ये लॉटरी जो तुम्हें लगी है ना, ये सब इस तावीज का कमाल है, सब इस तावीज का कमाल। ये लॉकेट